सो फ्रेंड्स, बस आधा घंटा बचा है डिमोलिशन में, जब ये बिल्कुल झरझर आते हुए हमारे टॉवर्स जो है नीचे आ जाएंगे। और मेरे साथ में हैं हमारे ही सुपर टेक के कुछ लेडीज़ हमारे साथ में, एंड ये तो हमारे RW मेंबर की टीम की दिग्गज हैं। साथ में एकता जी हैं, ये बहुत अच्छा टिफ़िन चलाती हैं हमारे यहाँ पे टिफ़िन सर्विस। हमें जब खाना नहीं खाना होता ना, हम इन्हीं के यहाँ से मंगाते हैं। तो बस अभी चल रहे हैं हम लोग उस जगह पे जहाँ से हमको इस टाइटैनिक टॉवर के झरझराते हुए नीचे गिरने का एक बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। चलो मिलती हूँ, बस देखना ये है कि ये सब कैसे होता है। एक ऐसी चीज़ है जो शायद आज से पहले आप में से किसी ने भी देखी नहीं होगी, हमने भी नहीं देखी, और इसीलिए हम इसको लाइव देखने वाले हैं। विश अस ऑल द बेस्ट, बाय। भाई हम लोग 8th फ्लोर पर आ गए हैं पार्श्वनाथ प्रेस्टीज की टेरेस पे, और यहाँ से जो हमको व्यू मिलेगा वो अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से टाइटैनिक टॉवर्स कैसे दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, दैट्स क्वाइट अ क्लियर व्यू। ये तो बहुत अच्छा व्यू है भाई, इससे अच्छा तो नहीं मिल सकता था। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर टेरेस पर, मीडिया से लेकर और सब लोग यहाँ पर हैं, रेजिडेंट्स लोग तो ऊपर छत पे चढ़ गए। काश मैं भी वहाँ पे चढ़ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे पता है मैं वहाँ से गिर जाऊंगी। ओह क्या बात है, वी आर गेटिंग अ बेटर व्यू। आई एम जेलस। इमारत बनाई गई है जो कुछ ही मिनटों में, बहुत कड़कती हुई धूप है, बिल्कुल कड़कती धूप में हम छत के ऊपर खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं इसके डिमोलिशन का, कि ये किस वक्त एक ध्वस्त होगा, बिल्कुल पाउडर होगा। सो लेट्स सी, बस इंतजार है। और एक और मास्क मेरे हाथ में है, हो सकता है धूल का जो गुबार उठे उसके लिए ये बहुत छोटा पड़े, तो एक और मुझको मास्क लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं हुआ भाई साहब, आपकी घड़ी आ गई है, रिपब्लिक की टीवी घड़ी, रिपब्लिक की घड़ी आ गई है। बटन दब गया है। ओ माय गॉड, ये डेटोनेटर का बटन है, प्रेस प्रे द गॉड। ओके ओम नमः शिवाय, एवरीथिंग शुड गो वेल। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पंछी उड़ रहे हैं, बस आप देख सकते हैं बिल्कुल, ताकि ये बड़े टावर अब नहीं रहे हैं, ये इतिहास के पन्ने हो गए हैं, ये इतिहास में समा चुके हैं, जहाँ इनका इतिहास में नामो निशान मिट जाएगा, सिर्फ पूरा धुआं के काले दाग के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आज उन लोगों को देखनी चाहिए, और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ही सेकंड में नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त है, एक टावर
फूल अब आती जा रही है और लोगों में भी दिक्कत आ रही है, लोग अब छतों पे अरे हाँ हाँ सर और एक अजीब सी धुएं और धूल जैसी यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है। एक ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमारा सूरज जो है वो भी पूरा डल हो चुका है, इतना ज्यादा धुआं है यहाँ पर। इस वक्त सामने वाली बिल्डिंग ऐसे दिखाई नहीं दे रही जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है। मैंने डबल मास्क लगा रखा है, यू कैन सी मैंने N95 और ये पूरा कवर किया हुआ है, उसके बावजूद लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस शॉवर है, ऊपर से सीमेंट गिर रहा है, आपको देखने को मिल रही है ये तस्वीर, ऊपर से सीमेंट गिर रहा है, बकायदा बारूद की स्मेल आ रही है, हमको स्मेल आ रही है उसकी, पूरा धुआं और उसके धुएं के साथ सीमेंट के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो हमको दिख रहे हैं। ये दो सोसाइटीज छोड़ के सोसाइटी है और यहाँ का ये हाल है, आप देख सकते हैं धूल का पूरा गुब्बार, मेरे मोबाइल के ऊपर भी इसके सीमेंट के पूरे पार्टिकल्स हो गए हैं, सब पाउडर हो गया है। और अभी ऑफ कोर्स थोड़ा सा बिल्डिंग्स दिखने शुरू हो गई हैं, बट हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मियों में सर्दी की धुंध आ गई है। हॉरिबल, इट्स रियली हॉरिबल। बस इसी चीज़ का एक हम लोगों को वो था, बाकी सब तो यस प्रोफेशनल टीम्स थी। अभी ब्लास्ट का पता चलेगा, जिस फ्लोर पे हम थे वहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर घर में आग लगी थी जिसके छत पे हम थे, तो अभी जब हम उतरे हैं तो उस घर के बाहर का जो टाइल्स थे वो टूट के बाहर दरवाजे पे गिरे हुए थे। मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज उस वक्त हालत नहीं थी वीडियो बनाने की, क्योंकि इतना केओटिक था वहाँ पर, इतना धुआं हो रहा था कि मेरा इच्छा ही नहीं हुई कि मैं अपने कैमरा को ऑन करूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ दी अपडेट, यू कैन सी हम सब ने मास्क लगा रखे हैं और स्टिल इट इज़ बारूद की स्मेल आ रही है, बारूद की स्मेल और साथ में धुआं। कौन सा वाला धुआं? नॉर्मल धुआं नहीं, इट इज़ सीमेंट वाला धुआं। सो इट्स रियली, ये चीज़ कैसे सेटल होगी और कब तक सेटल होगी, बस हमारा कंसर्न अब यही है। चलो फॉर द टाइम बींग साइनिंग ऑफ, आपको इसके फर्दर अपडेट दूंगी। अभी मुझको पता चले कि हमारी सोसाइटी एमरल्ड का क्या हाल है, क्योंकि जो आवाज़ थी वो बहुत भयानक थी, आप लोगों ने सुन ली, इट वॉज़ हॉरिबल।